गाइस, क्या आप अपने हेयर लॉस की समस्या से जूझ रहे हो और कितना ढूंढने के बाद भी आपको इसका कोई सोल्यूशन दिखाई नहीं देता? तो गाइस, सबसे पहली बात आपको ध्यान में रखना है कि इस समस्या से जूझने वाले आप अकेले इंसान नहीं हो। हेयर लॉस की समस्या बड़ी कॉमन समस्या बन गई है आजकल, और आप देख सकते हो यंग पीपल ऑल्सो लूजिंग देयर हेयर्स। एंड इतना सारा रिसर्च होने के बावजूद, इतना सारा डाटा अवेलेबल रहने के बावजूद, हम में से ज़्यादातर लोग सिर्फ अपने हेयर लॉस के प्रॉब्लम को एक्सटर्नली ट्रीट करने में लगे हुए हैं, ना कि इंटरनली। और आपने देखा होगा आजकल बहुत सारे ऑयल्स, बहुत सारे शैम्पूस, बहुत सारे केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट अपने आप को प्रमोट करते हैं और प्रॉमिस करते हैं कि आपका हेयर लॉस या तो कम कर देंगे या तो बिल्कुल रोक देंगे, विच इज नॉट कम्प्लीटली ट्रू गाइस। अगर आपको इस समस्या से बाहर आना है तो सिर्फ आप सिर्फ एक्सटर्नल फैक्टर्स पे ना ध्यान देके आप थोड़ा इंटरनल सॉल्यूशंस पे भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, जैसे कि आपका डाइट होगा, आपका लाइफस्टाइल होगा, जिससे कि आपका रिपेयर दोनों तरफ से हो, इंटरनली एंड एक्सटर्नली। तो गाइस, बने रहिए मेरे साथ ये वीडियो में अंत तक। इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे कॉमन रीजंस बताऊंगा जो बड़े कारण है आपके हेयर लॉस के लिए, और कैसे आप इसे फिक्स कर सकते हो, और या तो आप रोक सकते हो या तो आप हेयर लॉस को कम कर सकते हो। हाय गाइस, दिस इज संजीव कालीवाला। आई एम द फाउंडर ऑफ नेचुरल लाइफस्टाइल हब एंड ऑन ए मिशन टू हेल्प एटलीस्ट 100,000 वर्किंग प्रोफेशनल्स टू अचीव देयर गुड हेल्थ, टू अचीव देयर फिटनेस, टू अचीव देयर लॉन्जिविटी बाय अडॉप्टिंग ऑल नेचुरल टेक्निक। तो गाइस, without wasting time, let's do the video. Guys, आज का वीडियो थोड़ा मेडिकल बेस्ड वीडियो है, अपार्ट फ्रॉम अपने फिटनेस और डाइट से हटके। तो इस वीडियो बनाने का इंटेंशन मेरा ये नहीं है कि आपको सिर्फ ये 5 रीजन से ही वेट हेयर लॉस हो जाएगा, या ये टिप्स आप फॉलो करते ही आपका जो हेयर लॉस है वो रुक जाएगा या पूरा कंट्रोल पा लोगे, क्योंकि एवरीवन इज डिफरेंट गाइस। और कुछ लोगों में तो कुछ मेडिकल कंडीशंस की वजह से और कुछ क्रॉनिक डिसीजेस के ट्रीटमेंट की वजह से भी हेयर लॉस हो जाता है। तो वैसे टाइम पे इट्स बेटर टू गो फॉर योर मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एडवाइस, और उनके एडवाइस पे आप अपने डाइट में मॉडिफिकेशन कर सकते हो, या अपने सप्लीमेंट्स इंक्लूड कर सकते हो, या तो यू कैन फॉलो दिस टिप्स अलॉन्ग विथ योर मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एडवाइस, बिकॉज दिस टिप्स आर वेरी कॉमन टिप्स। तो इन 5 रीजंस में से सबसे पहला रीजन आपके हेयर लॉस के लिए है गाइस, लेट मी शेयर। तो ये 5 कॉमन रीजंस है गाइस जिसकी वजह से ज्यादातर लोगों में हेयर लॉस की समस्या हो जाती है। उसमें सबसे पहला है जेनेटिक डिस्पोजिशन, और सेकंड है आपका हार्मोनल इंबैलेंस, थर्ड है आपका पूर न्यूट्रिशन, फोर्थ है स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी, और फिफ्थ है एनवायरमेंटल फैक्टर। सो फर्स्ट वाला देखते हैं गाइस, व्हाट इज एक्चुअली जेनेटिकल प्रीडिस्पोजिशन। तो इसका मतलब ये है गाइस कि अगर आपके फैमिली में, अगर आप सपोज आपके फादर को या आपके ग्रैंडफादर को इस गंजेपन की शिकायत थी, तो ऑब्वियसली आपको भी ये विरासत में मिल सकती है। तो इसका मतलब ये नहीं है गाइस कि आपको भी 100% इस समस्या से जूझना ही पड़ेगा, क्योंकि जीन्स जो है अपने पे सिर्फ 30-40% रोल प्ले करते हैं। तो बाकी अपने पास 60-70% चांसेस है इसे रोकने के लिए, या इसे मॉडिफाई करने के लिए, या तो इसका असर कम करने के लिए। और इसका असर आप कैसे कम कर सकते हो गाइस? बाय अडॉप्टिंग ए हेल्दी लाइफस्टाइल, बाय कीपिंग चेक ऑन योर हार्मोन्स, बिकॉज आपके जीन्स जो होते हैं गाइस आपके हेयर फॉलिकल्स को बहुत सेंसिटिव बना देते हैं टुवर्ड्स द हार्मोन्स लाइक DHT, मतलब डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन हार्मोन, विच इज द वन ऑफ द मेन कल्प्रिट फॉर हेयर लॉस, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में आगे आगे। और कैसे कैसे मॉडिफाई कर सकते हो गाइस, जैसे मैंने हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करके, प्रॉपर न्यूट्रिशन से, प्रॉपर केयर ऑफ अपने स्कैल्प का अच्छा केयर लेके, और फाइनली इफ रिक्वायर्ड यू कैन ऐड सप्लीमेंट्स ऑल्सो ऑन योर फिजिशियंस एडवाइस लाइक जिंक, बायोटिन, कोलाजेन एक्सेट्रा एक्स टू मॉडिफाई द इफेक्ट ऑफ योर जीन। सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर जो इफेक्ट करता है, जो एक कॉज है अपने हेयर लॉस के लिए, वो है आपका हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत सी वजहों से हो सकता है गाइस। सबसे पहले ये
एज रिलेटेड हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, सेकेंड हो सकता है आपका न्यूट्रिशन रिलेटेड हार्मोनल इम्बैलेंस, आपके न्यूट्रिशन में ज़्यादा से ज़्यादा मीठा है, ज़्यादा से ज़्यादा सिंपल शुगर है, ये भी जाके आपके इंसुलिन को स्पाइक करेगा। अगर कोई भी एक हार्मोन इम्बैलेंस हो गया आपके शरीर में तो समझिए आप वो आपके जाके दूसरे हार्मोन्स को डिस्टर्ब करेगा और दूसरे हार्मोन्स भी इम्बैलेंस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, इससे कि आपको ये समस्या देखने को मिलती है। तो हार्मोनल इम्बैलेंस स्पेसिफिकली मैंने जो बताया है, डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन एक सबसे बड़ा रीज़न होता है आपके हेयर लॉस के लिए। ये क्या करता है गाइस, ये आपके हेयर फॉलिकल्स को बहुत थिन कर देता है और आपके जो हेयर रूट्स को है उसको वीक कर देता है, जिससे कि आपको हेयर लॉस की समस्या हो जाती है। और ये क्यों बढ़ जाता है गाइस, इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। एक तो सबसे पहला आपका एज रिलेटेड, सेकेंड आपका पुअर लाइफस्टाइल की वजह से बढ़ सकता है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया मेडिकल कंडीशन की वजह से बढ़ सकता है, और यूसेज ऑफ एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स की वजह से बढ़ सकता है। इसलिए आपने देखा होगा ज्यादातर बॉडी बिल्डर्स के सर पे बाल नहीं होते। हैवी लिफ्टिंग फॉर ए लॉन्गर टाइम विच लीड्स टू हाई टेस्टोस्टेरोन, और टेस्टोस्टेरोन जितना हाई होगा आपके बॉडी में देयर आर चांसेस ऑफ कन्वर्टिंग लिटिल बिट इनटू डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, जो एक वजह बन सकता है आपके हेयर लॉस के लिए। और जैसे मैंने ऑलरेडी बताया है, अगर आपका डाइट हाई है आपके सिंपल शुगर्स में तो ये भी आपका इंसुलिन प्रोडक्शन को डिस्टर्ब करेगा, जो डायरेक्ट या इनडायरेक्टली डिस्टर्ब करेगा आपके डीएचटी को भी। तो कैसा फिक्स कर सकते हैं गाइस, इसे बहुत सारी तरीकों से आप फिक्स कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका है ईटिंग बैलेंस्ड डाइट, रेगुलरली अपना इंटरनल चेकअप कराते रहिए, और कोई डिफिशियंसी है तो ट्राई करिए उसे फिक्स करने के लिए, और एडिंग फूड्स विच आर हाई इन जिंक, बायोटिन, कोलाजन एक्सेट्रा। और फाइनली अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, ऑलवेज गो फॉर प्रोफेशनल एडवाइस एंड कीपिंग योरसेल्फ अवे फ्रॉम स्टेरॉइड्स और ज़्यादा ऐसे कुछ मेडिकेशन जो आपके डीएचटी को बूस्ट करते हैं। थर्ड इम्पॉर्टेंट रीजन हो सकता है गाइस आपका पुअर न्यूट्रिशन। तो पुअर न्यूट्रिशन का मतलब गाइस ना ही सिर्फ जंक फूड खाना, इट ऑल्सो लाइक लैकिंग इन द इन योर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, लाइक अगर आप इनसफिशियंट कैलरी वेरी लो कैलरी डाइट पे चले जाते हो, जहाँ पे कुछ मैक्रोस को रेस्ट्रिक्ट कर देते हो, उस टाइम पे भी आपको डेफिशिएंसीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और लैक ऑफ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, हेल्दी फैट्स, विटामिंस, मिनरल्स, सब मिला के आपके न्यूट्रिशन को बहुत कमज़ोर बना देते हैं गाइस। अगर आपका न्यूट्रिशन ही कमज़ोर होगा तो ऑब्वियसली आपका जो इंटरनल सिस्टम है वो प्रॉपरली काम नहीं करेगा। अगर इंटरनल सिस्टम बराबर काम नहीं कर रहा है तो ऑब्वियसली आपके आपका हेयर जो है इंटरनली वीक हो जाएगा, और जब आप कितना भी एक्सटर्नली उसको ट्रीट करने की कोशिश करोगे इट वोंट बी क्योर्ड। तो कैसा फिक्स कर सकते हो गाइस, बहुत सारे तरीके हैं। अगेन ईटिंग बैलेंस मील, इनकॉर्पोरेटिंग वेजिटेबल्स स्पेसिफिकली लीफी वेजिटेबल्स एंड टेकिंग फ्रूट्स ऑन ए मॉडरेट क्वान्टिटी and adding appropriate lean protein and adding appropriate healthy fats. तो इस तरीके से आप इसे फिक्स कर सकते हो गाइस, आपका lifestyle, अपने eating habits change करके, जो help करेगा आपके बालों को repair करने में internally. तो instead of focusing on only on external factors, try to incorporate such things which will help you to become strong internally. अगर आप internally strong रहोगे, जब भी आपके external जो भी आप फंडे यूज कर रहे हो आप अपने पे काम करेंगे। एंड फोर्थ एक मेन रीजन कॉज फॉर योर हेयर लॉस इज योर स्ट्रेस एंड एंजाइटी। तो स्ट्रेस वी कैन से इट्स ए स्लो किलर नोवेडेज, और स्ट्रेस जो है हर एक इंसान के लिए एक कॉमन पार्ट ऑफ लाइफ बन गया है गाइस। तो स्ट्रेस से आप बच तो नहीं सकते हो, सिर्फ उसे मैनेज करना आप सीख सकते हो। अगर आपके बॉडी में जितना ज़्यादा स्ट्रेस रहेगा, ये ट्रिगर करेगा आपके स्ट्रेस हार्मोन को, कॉर्टिसोल को, जो जाके अगर जैसे मैंने कहा है अगर कोई एक हार्मोन इम्बैलेंस हो गया आपके बॉडी में, समझो वो जाके दूसरे हार्मोन्स को भी बैलेंस कर देगा, जिससे कि आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो कैसे हम उसे फिक्स कर सकते हैं गाइस, तो सबसे पहले आप अपने स्ट्रेस लेवल्स को फाइंड आउट करिए। कैसे फाइंड आउट कर सकते हो गाइस, यू कैन यूज सच स्केल्स 1 to 10 स्केल्स, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट और मेक ए नोट, जिसे यूज करके और खुद को आप अपने आप को नंबर पे मार्क करके उसको देख सकते हो आप कौन से लेवल पे, कौन से लेवल के स्ट्रेस पे हो। अगर आपका लेवल, आपका स्ट्रेस लेवल अगर हाई है तो ट्राई करिए उसे मैनेज करने में, ट्राई करिए उसे मिनिमाइज करने में बाय अडॉप्टिंग ऑल हेल्दी हैबिट्स लाइक योगा, मेडिटेशन, फिजिकल एक्टिविटी, वर्कआउट्स वगैरह वगैरह। एंड फोर्थ रीजन कैन ऑल्सो बी ए कॉज फॉर यूर हेयर लॉस गाइस, एंड ये रीजन है
आपका एनवायरमेंटल और एक्सटर्नल फैक्टर। तो एनवायरमेंट में क्या है गाइस, आजकल देखोगे हर जगह पोल्यूशन इज कॉमन। पोल्यूशन ऑल्सो लीड्स टू योर हेयर लॉस एंड पोल्यूटेड वाटर। जब हम स्नान करते हैं वो पानी अगर पोल्यूटेड हो, उसमें अगर हाई मिनरल्स हो, ये भी एक रीज़न हो सकता है आपके हेयर लॉस के लिए। और अपन जो पानी पीते हैं उसमें भी अगर कुछ मिनरल्स की कमी हो जाए, ये भी एक रीज़न हो सकता है आपके हेयर लॉस के लिए। और कम पानी पीना भी एक रीज़न हो सकता है गैस आपके हेयर लॉस के लिए। और ज़्यादा केमिकल्स यूज़ करना अपने डेली रूटीन में, जैसे हो गए शैम्पूस, कंडीशनर्स वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें भी आपको लीड कर सकते हैं आपके हेयर लॉस को बढ़ावा देने में। और ओवर स्टाइलिंग गाइस, दिस इज कैन आल्सो बी ए वन रीजन, क्योंकि ओवर स्टाइलिंग में हम ऐसे ऐसे केमिकल्स यूज कर देते हैं, ऐसे ऐसे हेयर कलर्स या तो हेयर स्ट्रेटनर्स या तो ऐसे ऐसे हॉट टूल्स यूज करते हैं, जिसकी वजह से आपके हेयर फॉलिकल्स एकदम कमजोर पड़ सकते हैं। एंड इट कैन बी ए रीजन फॉर एलिवेटिंग द हेयर लॉस प्रॉब्लम इन यू। तो हम इसे कैसा फिक्स कर सकते हैं गाइस, इज ऑल प्रॉब्लम इन आवर हैंड, सो वी कैन फिक्स देम इजीली। इसमें सबसे पहला है, अपने आप को प्रोटेक्ट करिए एनवायरमेंटल डैमेजेस से। अगर कभी कहीं आप पोल्यूटेड जगह पे जा रहे हो तो कवर योर स्कैल्प, कवर योर हेयर्स विथ प्रॉपर क्लोथ और हैट। अगर ज़्यादा धूप में जा रहे हो तो भी आप ट्राई करिए अपने स्कैल्प को या हेयर्स को कवर करने के लिए किसी कपड़े से या तो किसी हैट से। और मिनिमाइजिंग द हेयर स्टाइल विच विल पुल योर हेयर्स फॉर लॉन्गर टाइम एंड अवॉइडिंग हॉट स्टाइलिंग टूल्स। शिफ्ट योर सेल्फ टू नेचुरल प्रोडक्ट्स फ्रॉम द केमिकल प्रोडक्ट एंड मसाज योर स्कैल्प एटलीस्ट ट्वाइस ए वीक बाई यूजिंग गुड क्वालिटी ऑयल। तो गाइस ये थे छोटे छोटे टिप्स, 5 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स विच लीड्स टू हेयर लॉस प्रॉब्लम। तो बाई अडॉप्टिंग दिस स्मॉल स्मॉल टिप्स यू कैन आइदर मिनिमाइज और यू कैन स्टॉप। अपार्ट फ्रॉम दिस 5, देर आर फ्यू मोर लाइक कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल, स्मोकिंग, ये सब चीज़ें भी इफेक्ट करते हैं आपके हेयर लॉस प्रॉब्लम पे। सो ट्राई करिए मिनिमाइज करने की ऐसी आदतें हो एंड ट्राई टू अडॉप्ट हेल्दी हैबिट। तो गाइस दिस वाज अ स्मॉल वीडियो ऑन योर हेयर लॉस, होप यू फेल दिस इंफॉर्मेटिव। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो शेयर करिए किसी ऐसे फ्रेंड से जो ऐसे प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज लाइक दिस इन फ्यूचर। तो गाइस दिस इज संजीव कालीवाला, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्टे नेचुरल। बाय।